तो भाई साहब अब होने वाला है बवाल। आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम मार्वल अपना एग्जिस्टेंस बनाने में काफी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि हमने देखा ना थॉर लव एंड थंडर को उतना प्यार मिला, ना एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया को उतना प्यार मिला जनता से। लेकिन मार्वल ने अब इस्तेमाल किया है अपना हुक्म का इक्का, लोकी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और भाई साहब बच्चा बच्चा लोकी का फैन है। 6 अक्टूबर को सीजन रिलीज हो जाना है, लेकिन ये 6 अक्टूबर बहुत दूर है यार। जब से लोकी का सीजन 1 देखा है, मुझे तो रहा नहीं जा रहा है इसके सेकंड सीजन के लिए। दोस्तों मजा आने वाला है, ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखो, मजा आ जाएगा। मार्वल ऐसे ही दुनिया में नंबर 1 एंटरटेनर नहीं है, इसमें दम तो है यार। दोस्तों ये लोकी का कैरेक्टर वाकई में दमदार है। कैसे? देखो मार्वल के बाकी कैरेक्टर्स तो बस छोटे मोटे शहर बचा रहे हैं एवेंजर्स में अगर आपने देखा है तो, लेकिन यहाँ लोकी भाई इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। एक नहीं कई दुनिया की यहाँ पर बात चल रही है, सीधा टाइमलाइन की बात चल रही है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना, मानो दुनिया नहीं यूनिवर्स नहीं घर के रूम्स हो गए हैं। एक दरवाजा खोला तो दूसरे रूम में चले गए, दूसरा खोला तो तीसरे रूम में चले गए। भाई साहब आपको रिकॉल हो गया होगा अभी तक कि आपने लोकी का पहला सीजन में क्या क्या देखा था। अब बात करते हैं सेकंड सीजन के ट्रेलर की, आखिर क्या क्या मिलने वाला है पूरी सीरीज में, क्या कहानी हो सकती है, इस बार भी लोकी की बैंड बजी जाएगी या नहीं। तो भाई साहब पहले तो ये कि कहानी जहां छोड़ी गई थी वहीं से स्टार्ट कर गई है, लेकिन इस बार लोकी बीमार दिखाया गया है। और बीमारी क्या है? मल्टीवर्स में ट्रेवल करना अपने आप ही, जिसे टीवीए की भाषा में कहते हैं टाइम स्लिपिंग, जो कि कभी भी टीवीए में होता नहीं है। और मोबियस लोकी को लेके जाता है बिल्कुल टीवीए के बेसमेंट पर, जहां ओबी द जीनियस का कैबिन होता है। और ओबी अगर मैं बता दूं तो ये वही बंदा है जिसे आपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखा होगा, क्या फाड़ू एक्टिंग करी थी उसमें इसने। तो मजा तो आने वाला है क्योंकि कैरेक्टर बहुत दमदार ले रखा है, मतलब देखकर लग रहा है कि ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीवीए। देखो लोकी को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने आप ही टाइम ट्रेवल कर रहा है, कभी भी कहीं भी पहुंच जा रहा है, कभी अपने फ्यूचर में तो कभी अपने पास्ट में, कभी भी कहीं भी और कहीं भी। लेकिन मोबियस जो इसका काफी अच्छा फ्रेंड का रोल प्ले करते दिख रहा है, लोकी का हौसला बढ़ाते नजर आ रहा है कि हम इसका इलाज ढूंढेंगे। दूसरा, अगर आपने ट्रेलर के छोटे से पार्ट में जैनक ये नाम देखा है तो इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है। सीरीज इसी बेस पर होने वाली है, मतलब एक न्यू चिल्लर विलेन की एंट्री होगी और पूरी कहानी में ये लोकी और मोबियस को खुद में उलझा के रखेगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि कैंग द कॉन्करर नहीं आएगा क्या इसमें? वो है, वो तो मेन विलेन है यार। अगर आपने लास्ट में देखा होगा तो उसका स्टैचू भी दिखाई देगा। अगर मैं थोड़ा सा जैनक कंट्रोवर्सी के बारे में बता दूं, जो कि मार्वल कॉमिक से रिवील कराया गया है कि जैनक क्रिएशन है डोरमामू का, जिसे उसने डार्क डायमेंशन में क्रिएट करा था। और डोरमामू को आप जानते ही हो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तब। और इस बंदे को लोगों की फीलिंग्स के साथ छेड़छाड़ करने का शौक होता है बहुत ज़्यादा। इट मीन्स ये कि लोगों के अंदर घुसकर ये उनके डार्क फीलिंग्स को बाहर निकालता है। और एक मजेदार बात और बता देता हूँ कि पूरी सीरीज में आखिर आपको और क्या क्या मिलने वाला है। जो ये बंदा फेमस एक्टर है ना, ब्रैड वुल्फ, क्योंकि पूरे ट्रेलर बस यही एक सेलिब्रिटी दिखाया गया है, जिसे बाद में लोकी एट द एंड ऑफ ट्रेलर पकड़ के भी रखा है। इसके अंदर जैनक घुसकर कुछ तो पंगा करने वाला है पूरी सीरीज में। ट्रेलर में आपने ये भी देखा होगा कि सैक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ भी कर रखी है, जिसे मोबियस स्पेस सूट पहनकर ठीक करने भी जा रहा है। तो भाई साहब ऐसी बहुत सी चीजें आपको सीरीज में मिलने वाली हैं जो ट्रेलर में साफ साफ पता लग रही हैं, लेकिन सब कुछ यहीं रिवील नहीं करेंगे। तो 6 अक्टूबर का वेट करते हैं और फाड़ के रख देंगे। तो ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, एक बार फिर कहूंगा लोकी सीजन 2 से मार्वल करने वाला है सॉलिड कमबैक, और हमें मिलने वाला है एक और बेस्ट एंटरटेनमेंट का तड़का। तो दिल थाम के बैठ जाओ और 6 अक्टूबर का करो इंतजार तब तक। और जाते जाते ये बता के जरूर जाइए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। दूसरा, थैनोस और कैंग द कॉन्करर में पावरफुल विलेन कौन लगता है आप? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।